राहुल गांधी जी ने सही में बातों को रखा है। टीकाकरण को लेकर अब तक कितने बार मोदी सरकार का स्टैंड बदला है, तो बदला है। आपने भारत बायोटेक और सीरम के टीका को लेकर लंबी लंबी बात कही, आज क्या वजह कि पिछले एक डेढ़ महीने से ये अपने भारत में निर्मित टीका भारतीय को नहीं मिल रहा है, आपने 70 देशों में इसका निर्यात कर दिया, तो आपको अपनी वाहवाही करानी थी। ये जो अपनी छवि चमकाने का प्रयास है प्रधानमंत्री का, सामने आ गया है। देशवासियों को आप टीका नहीं दे पा रहे, अभी भी अगर 5-6% लोगों को ही टीका मिला है, ये चिंता की बात है। और आपने 70 देशों को टीका निर्यात कर दिया, इस सवाल का जवाब आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। तो राहुल गांधी जी बार बार उन्हीं चिंताओं को प्रकट करते हैं कि भाई टीकाकरण अभियान को तेज कीजिए, इसे बड़े व्यापक पैमाने पर चलाने की आवश्यकता है और हर व्यक्ति को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराया जाए, यह हमारी पुरानी मांग है। तो राहुल गांधी ने उन्हीं बातों को फिर से दोहराया है और हमारा मानना है कि सरकार चेतेगी और टीकाकरण अभियान में तेजी लाएगी। लेकिन जेपी नड्डा तो बोलते हैं कि भारत लंगड़ा नहीं है, यहाँ का जो नागरिक है उनके दम पे आगे बढ़ रहा है। 50 लाख वैक्सीनेशन ट्यूजडे के दिन हुए, कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखाई। ये फर्जी आंकड़ेबाजी है। लोगों को आप कुछ भी कह दीजिए, बिहार में भी लोग कह रहे हैं कि हम अगले महीने में 6 करोड़ लोगों को देंगे और पिछले 6 महीने से वही सरकार मात्र 20 लाख लोगों को टीका दे पाई है। ये सरकारी आंकड़े हैं, वो खुद बताते हैं कि सरकार सिर्फ बड़बोलापन में विश्वास करती है। आम लोगों को टीका अभी भी ग्रामीण स्तर पर तो पहुंचा ही नहीं। तो टीकाकरण अभियान में तेजी लाने और उसके स्वरूप को व्यापक करने की आवश्यकता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकार, वो ऐसा करने में अब तक विफल साबित हो रहे हैं। सिद्धू जी कल पैनल के सामने हाजिर होंगे, क्या चल रहा है पंजाब में? जो भी चल रहा है पंजाब में, कांग्रेस पार्टी का इन चीजों को देख रहा है और इसका उचित समय पर समाधान निकल जाएगा। अजय, भाजपा की तरफ से जो नुसरत जहां सांसद हैं उन पर कहा गया है, दिलीप घोष ने कहा है उसने इंडिया की जो संस्कृति है उसको सर्वसार कर दिया, वो मुस्लिम हैं, सिंदूर लगाते हैं, उनके शादी में ममता बनर्जी जाती हैं, जिस आदमी से शादी होता है फिर बोलती है शादी हमारी नहीं है। आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, जिनके अपने नेता का विवाह टूट गया और सफल नहीं हो सका, कम से कम उन्हें दूसरों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। विवाह एक पवित्र संबंध होता है, आमतौर पे विवाह बढ़िया से चलता है, कभी कभी उसमें भी गतिरोध आता है। ये तो बीजेपी के नेता भी खुद भुक्तभोगी हैं, कहीं और टीएमसी के भी एक नेता भुक्तभोगी हो गए। यह कोई इशू चर्चा का नहीं होना चाहिए और ऐसे मामलों में किसी के निजी जीवन के मामले में, निजी पसंदों के मामले में, हवा के मामले में, खाने पीने के मामले में बीजेपी का क्या मतलब बनता है कि वो सवाल खड़ा करती है? दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने वालों को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान कांग्रेस को दोषी मान रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, और उन्हीं की सरकार की देन है। अभी इसलिए बढ़ रही है, क्रूड ऑयल के दाम, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस को मन नहीं है अधिकार बोलने का। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर अगर पेट्रोलियम मंत्री इस स्तर का बयानबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो अयोग्य व्यक्ति हैं। कच्चा तेल आज से 7 साल पहले जब हमारी सरकार थी तो $116 प्रति बैरल था, आज वो 70 पे आ गया है और पिछले 2-3 महीने जाएंगे तो वो करीब $52 प्रति बैरल था। तो भारत में तो 30-35 रुपये लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए और आपने इस नारे पे ही तो चुनाव जीता था, बहुत ही पेट्रोल की महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आज जब पेट्रोल डीजल की कच्चे तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो गई उसकी कीमतें, तो भारत के लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं दे रहे प्रधानमंत्री? धर्मेंद्र प्रधान को ये बताना चाहिए, आम जनता को उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? चूंकि आपने हैवी टैक्सेशन किया है, प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार के टैक्स
और राज्यों की जो सरकारें उनकी टैक्स को मिला दें तो लगभग 50 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर और 48 रुपये प्रति लीटर डीजल पर टैक्स देती है सरकार। तो टैक्स अपना खजाना को भरने का काम केंद्र और राज्य सरकारें कर रही है, इसलिए महंगाई बढ़ी है, इसलिए कीमत बढ़ी है। तो धर्मेंद्र प्रधान को इन चीजों के बजाय गुमराह करना और कुछ भी बोलते रहना, हर चीज के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराना, इससे बड़ी हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। नीरव मोदी के जो आरोप था कि उसने 18,000 करोड़ लेके यहाँ उठावा, ईडी ने बैंक के जो पैसे लेके उठावा तो उसमें से 9,000 करोड़ उसकी संपत्ति बेचने बैंक को ट्रांसफर कर दिए। देखिए पिछले दिनों न सिर्फ नीरव मोदी, बीजेपी के नजदीक के कई लोग ने 1,000 करोड़ भारतीय बैंकों से लेकर फरार हुए, उसमें से एक की भी अभी तक रिकवरी नहीं हुई है, न किसी को पकड़ा जा सका है, न भारत लाया जा सका है। तो इस तरह के आंकड़ों को देखकर लोगों को गुमराह करने के बजाय उन्हें यह बताना चाहिए, मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, ये लोग भारत कब आ रहे, सरकार उन्हें भारत कब ला रही, हर समय कुछ कहकर आप लोगों का ध्यान भटकाते हैं। यह भी ध्यान भटकाने की कोशिश है कि हमने इतना रिकवर कर लिया। जो व्यक्ति इतने बड़ी राशि को लेकर भागा, क्या वो इतने 1,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के जाएगा? इस तरह के दावों में, इस तरह के आंकड़े में भारत के जनमानस को कोई भरोसा नहीं है। मैं समझता हूं इन लोगों को विदेश से भारत लाया जाए और भारतीय कानून के तहत उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करे प्रधानमंत्री, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। डेल्टा वेरिएंट के कुछ मरीज केरला, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिले हैं। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने वहां की सरकारों को आदेश दिया है, चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि तुरंत कंटेनमेंट जोन बनाइए ताकि इसको फैलने से रोका जा सके। बिल्कुल ये थर्ड वेव की जो बात चल रही है, बिल्कुल मैं समझता हूँ थर्ड वेव ने एक तरह से दस्तक देना शुरू कर दिया भारत में, और डेल्टा वाला भी उसी का एक हिस्सा है। मैं समझता हूँ लॉकडाउन में छूट देना एक ऐसा निर्णय हुआ है सरकार का विभिन्न राज्यों में कि आने वाले समय में हो सकता है संक्रमित मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगे। तो अभी आने वाले 6 महीने साल भर बहुत ही प्रिकॉशन लेने का समय है, और कल ही परसों हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी चिंता भी प्रकट की है और सरकार को सुझाव भी दिया और हमने व्हाइट पेपर जारी करके बताया है। लेकिन सरकार हर चीज को राजनीतिक तौर पे लेती है, समस्या का समाधान कैसे निकले और समस्या के निराकरण के लिए हम क्या क्या सावधानियां बरतते हैं, इस दिशा में सरकार कुछ नहीं कर पा रही। मैं समझता हूं अभी भी समय है, हमें तत्काल बिना समय गवाए पूरे देश में प्रिकॉशन और उससे जुड़े संबंधित कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों के जान माल की हिफाजत हो सके। और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं सभी लोगों को मुफ्त में टीका जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए, यही एक रास्ता है इस संक्रमण से बचने के लिए। ABP News आपको रखे आगे।